हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ जीत। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। बहुत लंबे टाइम बाद मैं आज एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ऑल्सो जो मैंने पहले व्लॉग्स वगैरह बनाए हुए थे उनको एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। अपनी डेली लाइफ बहुत बिजी हो रखी थी। तो काफ़ी लोगों की ना मैंने कमेंट्स जो देखे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी में कोई कंप्लेंट नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो भाईओ, आपका सपना सच हो गया है। मेरी CV200X में प्रॉब्लम आ गई है, और प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे नेपाल ट्रिप के टाइम प्रॉब्लम थोड़ा सा आना शुरू हुई थी, बट उस टाइम इतनी मेजर नहीं थी। अब वो प्रॉब्लम मेजर हो चुकी है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आया है, और ये जनरल यूजेज वाले प्रॉब्लम्स हैं जो वारंटी में मेरे को रिप्लेसमेंट मिल रहे हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम आया है वो ये कि मेरा जो मास्टर सिलेंडर है ये प्रेशर लूज़ कर देता है। अभी जैसे अभी ठीक है, या तो ये कभी पूरा जाम हो जाता है चलते चलते, जब बाइक हाई स्पीड पे चल रही होती है तो ब्रेक लेने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा जाम फील होता है। ऑल्सो इसमें दूसरी दिक्कत क्या होती है, अगर गाड़ी 4-5 दिन या थोड़ा लंबे ब्रेक के लिए खड़ी हुई है जैसे घर पर, तो इसका प्रेशर पूरा लूज़ हो जाता है। मैंने इसमें मेजर किट अपने कॉस्ट पर चेंज करवा कर देखा था टेम्परेरी, बट उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। तो अब ये मुझे अंडर वारंटी मास्टर सिलेंडर रिप्लेसमेंट मिल रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम जो इसमें आया था वो था इसका लॉक सेट। लॉक सेट में वॉशिंग के बाद पता नहीं पानी जा रहा था, क्या हो रहा था, तो चाबी जो है इसकी जैसे नहीं आ रही थी, इग्निशन नहीं आता था। सेल्फ स्टार्ट हो जाता था बट इग्निशन नहीं आ रहा था, हॉर्न वगैरह कुछ भी नहीं बज रहा था, सिर्फ गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाती थी। थर्ड प्रॉब्लम जो इसमें आई है वो है बैटरी की। बैटरी चार्जर दिक्कत कर रहा है। एक्चुअली क्या था कि पहले बैटरी नेपाल ट्रिप में बैटरी की सेल्फ नहीं लिया था, जो कि मुझे सेकेंड डे धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा था, और वो हल्के से पुश में स्टार्ट हो गई थी। तो जिन लोगों को कंप्लेंट होती है ना कि किक नहीं है तो क्या होगा, तो अगर किक नहीं है तो गाड़ी हल्के से पुश करने पे स्टार्ट हो जाती है। फिर मैंने वहाँ पर गाड़ी को थोड़ा सा इतना ध्यान रखा कि गाड़ी को मैं ज़्यादा देर ऑन वैसे ना छोड़ूँ बैटरी पर, अगर या तो गाड़ी को स्टार्ट कर लूँ या फिर मैं बैटरी पर उसे ऑन इग्निशन को ना छोड़ूँ। देन जब मैं वापस आ गया उसके बाद बैटरी को इन्होंने वारंटी में रिप्लेसमेंट किया, बट जब रिप्लेसमेंट वारंटी वाली बैटरी आई वो फिर से कुछ दिनों में ख़राब हो गई। तो फाइनली सॉल्यूशन ये पता चला कि इसका जो चार्जर है वो डिफेक्टिव हो गया है और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब चार्जर भी रिप्लेसमेंट होगा वारंटी में, मास्टर सिलेंडर भी रिप्लेसमेंट होगा, और कंप्लीट लॉक सेट चेंज होगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इन पार्ट्स की कॉस्टिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है इसका मास्टर सिलेंडर, कॉस्टिंग देख सकते हो, इसका पार्ट नंबर 2142 इसका कॉस्टिंग, और ये मुझे फ्री रिप्लेसमेंट मिल रहा है अंडर वारंटी। साथ ही ये है इसका की सेट, पूरा जो लॉक सेट है, टैंक, हैंडल लॉक और सीट लॉक, ये तीनों इसमें चेंज होंगे, और इसका कॉस्टिंग है 1524 रुपये, 1524। तो दो पार्ट्स ये हो गए हैं। बैटरी चार्जर अभी ऑर्डर पर लगाया है तो बैटरी यहाँ चार्ज नहीं हो रही है। एक दूसरा बैटरी चार्जर है जिससे मैं अपना चार्ज कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पोर्टेबल चार्जर है जिसको मैं ड्यूरिंग ट्रिप्स भी कैरी करता हूँ। ये मेरा अपना पोर्टेबल चार्जर है, बॉश कंपनी का, आप देख सकते हो मॉडल। तो यहाँ से बैटरी चार्ज हो चुकी है और ये आप देख सकते हो ओके हो गई है। तो बैटरी चार्ज इसका क्योंकि चार्जर काम नहीं कर रहा है तो वो अंडर वारंटी में अभी ऑर्डर पर प्लेस किया है, और कुछ दिनों में वो आ जाएगा तो वो भी मुझे अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं, चेंज करते हैं ये। यहाँ पर इसके जो टैंक पर इसका लॉक सेट है उसको खोलने के लिए ये पूरा फेयरिंग उतारना पड़ेगा, स्पेशली ये टैंक और यहाँ से ये, क्योंकि आप यहाँ माउंटिंग देख सकते हो, यहाँ बीच में इसकी माउंटिंग है, तो इसके लिए ये पार्ट खोलना बहुत ज़रूरी है। और उसको खोलने के लिए यहाँ का जो लाइनिंग है पूरी मीटर के आगे डैशबोर्ड की पूरी लाइनिंग है वो भी उतारी जाएगी, जो कि हम यहाँ तो उतार चुके हैं, अब अंदर का उस साइड का उतारा जा रहा है। और कुछ लोगों को जिनको हेडलाइट से इश्यू है कि हेडलाइट की बीम ऊँची जाती है, तो वो ये जो आप यहाँ ये वाला नट देख रहे हैं ये नीचे से भी दिख जाता है, यहाँ से आपको यहाँ दिख जाएगा ये वाला जो नट दिख रहा है, ये वाला, आप इसको रोटेट करके इसका हेडलाइट का एंगल एडजस्ट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों यहाँ देख लो ये पूरा खुल चुका है, और ये टैंक ऐसा का ऐसा निकल आता है, ये देख लो, ये देखो, ये है हमारे CV200X का टैंक जो लोग देखना चाहते थे। और इसी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये वाला साइड पैनल एक यहाँ से यहाँ तक का, ये सिर्फ 750 या 800 रुपीज़ का है, ये भी इतने का ही है, और ये 300-400 रुपये का आता है। तो आप सोच सकते हो जो लोगों का डाउट रहता है ना कि इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बहुत सस्ता है, मतलब ये ओवरऑल टैंक आपको 2000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में तैयार हो जाता है। और अंदर इसकी टैंक इसलिए छोटा है, इसमें कम पेट्रोल इसीलिए आता है, देख रहे हो टैंक बच्चा सा टैंक है। और अब देखो बाइक की हालत, ये
तो ये रहा लॉक सेट। अब इन स्क्रू को खोल के इसे निकाला जाएगा। हमारी गाड़ी का जो लॉक सेट था वो चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फंक्शन कर रहा है अब ये। और साथ ही यहाँ पर ये इसके साथ पूरे लॉक सेट में ये चेंज हुआ है, पीछे सीट वाला अभी चेंज हो रहा है। और आपको ये फ्यूल कैप पूरा नया मिलता है इसमें, और कीज़ भी पूरी नई मिलती हैं। ये दोनों कीज़ हैं ये आपको नई मिलती है। इसके साथ ही जो मैंने दूसरा चीज़ बताया था इसका, बैटरी का प्रॉब्लम। तो बैटरी वाला प्रॉब्लम का क्या था कि यहाँ पे ना ये रिले है, तो ये सेल्फ का जो रिले है ये इसका एक वायर लूज था। बैटरी अभी मेरी यही ओके चल रही है, और बैटरी ओके के बाद में यही रिले का कनेक्शन लूज था, जिसकी वजह से मेरी ये सेल्फ लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। बैटरी को मैंने पूरा चार्ज करवा दिया है, तो अभी सेल्फ ओके हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो बाइक सेल्फ हो जा रही है, आप देख सकते हैं। तो बाइक का सेल्फ स्टार्ट भी हो जा रहा है। और नेक्स्ट जो था इसका मास्टर सिलेंडर, ये न्यू डल चुका है। ये होता है मास्टर सिलेंडर, ये पूरा नया डला है, पूरी किट। और लास्ट अब ये हो रहा है। साथ ही मेरा पीछे वाला ब्रेक पैड ख़त्म हो गया था, डिस्क पैड, तो वो मैंने न्यू डलवा दिए हैं ये डिस्क पैड्स। यहाँ आप देख सकते हो पुराना डिस्क पैड ये रहा, ये मेरा इतना सा बचा था थिकनेस, और न्यू वाले की थिकनेस आप देखिए कितनी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ देखें अभी तो ये ऑलमोस्ट हाफ से भी कम बचा है, थोड़ा सा ही है, हार्डली 700-800 किलोमीटर चल पाता, बट बार बार सर्विस सेंटर कौन आए। तो ये अभी रिप्लेस हो चुका है। अब गाड़ी पैकिंग हो रही है बस सीट का लॉक चेंज होते ही, उसके बाद हम अपना चलेंगे राइड पर घर के लिए। तो और मैंने जो इसमें क्रैश गार्ड वगैरह लगवाया था, बाइक का नाव कंप्लीट नया लुक काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्राफिक वर्क अभी मेरा पेंडिंग है, ग्राफिक्स मैं कुछ कस्टम ग्राफिक भी करूँगा इस पर। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक्स सेंड कर देना, या कुछ अपने आइडियाज़ कस्टम ग्राफिक्स के लिए। तब तक के लिए मैंने स्टॉक ग्राफिक्स दोबारा पेस्ट कर दिए, बट गाड़ी का मैंने कलर में चेंज किया था इसको, जो मैट ग्रे करवाया है, मतलब एक टोटली यूनिक कलर है ये, जो एक्टिवा पर मैट ग्रे आता है उससे मैचिंग कलर है ये। तो ये मैट ब्लैक नहीं, मैट ग्रे है। दूर से आपको मैट ब्लैक लगता है, बट पास जाके आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये है फ़र्क, ये ब्लैक है और ये मैट ग्रे है। और नीचे सिल्वर पार्ट है ये एज इट इज़। तो और साथ ही मैंने एक रिसेंट वर्क भी करवाया था, मॉडिफिकेशन हैजार्ड वाला। तो यहाँ जब ऑन करते हैं तो मल्टी मोड हैजार्ड मैंने इसमें फ़िक्स करवाया था, आप एक देख सकते हो। जितनी बार आप पैटर्न चेंज करेंगे उतनी बार इसका पैटर्न चेंज होगा। और इसमें मेरा फेवरेट पैटर्न जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। इसमें इंडिकेटर्स ऑन रहते हैं, सिर्फ एक साइड का ब्लिंक करता है, तो ये मेरा फेवरेट पैटर्न है जो मुझे चलाने में बहुत अच्छा हाथ लगता है। मेरी बाइक की रिपेयरिंग डन हो चुकी है, और जो मेरा बिल आया, क्योंकि वारंटी वर्क है तो बिल जीरो, बट जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सही हो चुकी हैं। अब सिर्फ जो एक प्रॉब्लम का डाउट है, जो बैटरी वाला डाउट था, उसे अभी हमने ट्राई किया है, क्योंकि रिले पर तार लूज थी तो वो उसे टाइट करने से सेल्फ होने लग गया है, और बैटरी में अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बट अगर कुछ दिनों में प्रॉब्लम रिपीट होती है बैटरी को लेके, बैटरी लो वाली कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने चार्जर को ऑर्डर में प्लेस कर दिया है, उसे ये फिर मेरा अंडर वारंटी चार्जर भी रिप्लेसमेंट मिल जाएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो बाकी लोगों की तमन्ना थी कि मेरी बाइक में प्रॉब्लम नहीं आती वो भी पूरी हो गई होगी। बाय द वे ये जस्ट मजाक के लिए था, प्रॉब्लम्स किसी की भी गाड़ी में आ सकती हैं, बट कोशिश और दुआ यही रहेगी आपकी गाड़ी में कभी ऐसी प्रॉब्लम में ना आए। तो आज के लिए इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूलना, आपका कोई डाउट कोई भी क्वेरी और अपने फीडबैक कमेंट में आप बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग GS Extreme।